हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको शेयर करना चाहता हूं। काफी बच्चों की मेरे पास काफी दिन से कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर, हमने अपनी जो नर्सिंग है वो कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, कैसे हम पढ़ाई करें, कैसे हम अपनी ड्रीम जॉब को गेन करें। ठीक है, तो मैं उनसे सिर्फ यही बातें करूंगा। आज की जो वीडियो में हम सिर्फ तीन बातें करेंगे। तीन कौन कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात, आपको अपना एक गोल फिक्स करना है कि मुझे नॉर्सेट में जाना है या सीएचओ में जाना है। अगर आप सीएचओ में जाना चाहते हो तो सिर्फ आपको बेसिक पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको नॉर्सेट क्रैक करना है तो आपको थोड़ा डीप पढ़ने की जरूरत है, अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत है, अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। आगे बस इसमें दूसरी बात, आपको किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करना है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही कोचिंग ज्वाइन करो। आप किसी भी कोचिंग पे ट्रस्ट करके आप अपने ज्वाइन कर सकते हो, अपने बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हो। और आपके पास अपोजिट किसी भी एग्जाम को लेके 6 महीने का आपके पास टाइम बचा हुआ है, कि आपके पास 6 महीने का टाइम है और एग्जाम हमारी आने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करके आपको अपने 3 महीने के अंदर, उन 6 महीनों में से आपको 3 महीने अपने नोट्स के लिए देने हैं, नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब जब नोट्स आपके 3 महीने के अंदर प्रिपेयर हो जाएंगे, बचे जो 3 महीने होंगे आपके, वो किसके होंगे मेरे प्यारे बच्चों? किसके होंगे? हमारे हमारे रिविजन के होंगे। और किस चीज का रिविजन आपको करना है? जो आपने नोट्स आपके बनाए हैं उनको ही आपको बार-बार सिलेबस का आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और उसके बाद लास्ट में आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा कि आप उस पल को जियोगे, बार बार उस पल को जियोगे जो आपको पल एग्जाम के अंदर जीना है। ठीक है, तो इससे ये फायदा होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है, क्वेश्चन आंसर की जो प्रैक्टिस है, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, वो आपका कवरअप हो जाएगा। आगे बस, थैंक यू सो मच फॉर बींग देयर। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।